आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी आवाज एक इस YouTube चैनल को और मैं शेख इमरान आप तमामी का इस्तकबाल करता हूँ। आज से हिंगोली शहर में संचार बंदी की धारा 144 लागू की गई है। जी हाँ, हिंगोली जिला कलेक्टर रुचे जयवंशी सर के मुताबिक 5/7/2020 शाम 7 बजे से 10/7/2020 तक हिंगोली शहर में संचार बंदी की धारा 144 लागू की गई है। हिंगोली शहर में कोरोना पॉजिटिव के और नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और ये मामलों को रोका जा सके और ज्यादा इस बीमारी को ना फैलने दिया जाए, इसी मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए हिंगोली जिला कलेक्टर ऋचा जयवंशी सर ने हिंगोली जिले में धारा 144 लागू की है। जी हाँ, हिंगोली अब पूरे तरीके से हिंगोली की तमाम सीमाएं पूरे तरीके से सील की गई है। हिंगोली शहर से कोई बाहर नहीं जा सकता और कोई बाहर का शख्स हिंगोली शहर में आ नहीं सकता और इसी के साथ साथ जो इसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स है सिर्फ उन्हें ही बाहर निकलने की इजाज़त है, उनके अलावा कोई और शख्स बाहर नहीं निकल सकता। इनके अलावा अगर कोई शख्स बाहर निकलता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएंगी, इसका खामियाजा उस शख्स को भुगतना पड़ेगा, इसका जिम्मेदार वो शख्स खुद रहेगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और इसी के साथ साथ हिंगोली शहर के इन इलाकों को कंटामिनेट जोन में दाखिल किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, जिनमें से रिसाला बाजार इस इलाके को भी कंटामिनेट जोन डिक्लेयर किया गया है, गांधी चौक और इसी के साथ साथ तालाब कट्टा इन इलाकों को कंटामिनेट जोन डिक्लेयर किया गया है। तो अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपकी आवाज़ AK इस YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।